फ्रेंड्स, आज हम क्लास फिफ्थ के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है प्लांट्स हाउ दे रिप्रोड्यूस। इसके अंदर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, जर्मिनेशन, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो, प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लांट्स आर द मेजर पार्ट ऑफ अवर सराउंडिंग। प्लांट्स प्रोवाइड अस, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, जैसे खाना, लकड़ी, कपड़े और मैनी अदर थिंग्स। इवन द ऑक्सीजन दैट वी नीड टू कीप अवर सेल्स अलाइव इज गिवन आउट बाय द ग्रीन प्लांट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो हमारा फॉरेस्ट इंक्रीज होगा, लेकिन उसके साथ साथ में सॉइल इरोजन भी कम होगा, क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स होते हैं वो एक दूसरे को जकड़ कर रखती है, बांध कर रखती है, और जब वो रूट्स और उस मिट्टी को जकड़ कर रखेंगी तो सॉइल इरोजन कम से कम होगा। प्लांट्स मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटिफुल, दस वी फाइंड दैट इट इज नेसेसरी टू ग्रो प्लांट्स ऑन अर्थ। इट इज द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दैट ब्रिंग मोर एंड मोर प्लांट्स ऑन द अर्थ। अब जो प्लांट्स है हमारे, उसको हमने टू वेज में रिप्रोड्यूस किया, फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स इज द सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्लांट्स। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन इज कि प्लांट्स में वो कहाँ पर पाया जाता है। तो प्लांट्स की हमारी जो रूट्स होती हैं जमीन के नीचे, लीफ और उसकी स्टेम, यहां वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इससे इन तीनों कैटेगरी में इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड को कंप्लीट किया जाता है और न्यू प्लांट को गिव बनाया, इससे नए प्लांट्स को बनाया जाता है। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, दैट इज मेन वे। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बाय रूट्स, सेकंड बाय लीव्स, थर्ड बाय स्टेम। बाय रूट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। बाय लीव्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। और बाय स्टेम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुगर केन। स्वीट पोटैटो इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रूट वेयर फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द रूट्स फॉर इट्स फ्यूचर यूज। अगर हम स्वीट पोटैटो को मिट्टी के नीचे, जो मॉइस्ट सॉइल है उसके नीचे अगर हम दबा देंगे तो उससे एक नया प्लांट हम बना सकते हैं, उसकी फसल कर, उसकी खेती होती है, उसे आगे ग्रो किया जाता है उस मेथड के अकॉर्डिंग। अब बाय लीव्स में ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसकी लीव्स कुछ चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है। सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम हैव अ फ्लैसी एंड थिक लीव्स। इसके लीव्स के जो बाहरी पोर्शन है, बाहर का एरिया, उस पर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। जब इस प्लांट की लीफ प्लांट से टूटकर जमीन पर गिर जाती है और मिट्टी में दब जाती है, तो जो ये बर्ड्स होते हैं इससे एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। अब बाय स्टेम सुगर केन। सुगर केन आपने देखा होगा, जिसे हम गन्ना कहते हैं, उसके छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं। पोर्शंस के बगल में एक छोटी सी बर्ड जैसी निकली होती है साइड में। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जो गन्ना घर में आता है उसकी बर्ड जो साइड में होती है वो सूख जाती है, लेकिन हरे में वो जो मतलब ताजा गन्ना होता है जिसको हम फसल के लिए तैयार करते हैं, तो क्या होता है उसमें जब आप नया नया निकलेगा आप उसमें देखेंगे, जब ये एक बॉक्स हमने सपोज काट कर जमीन के नीचे गाड़ दिया, ठीक है, तो जो ये बर्ड्स थी इससे एक नया पेड़ बनकर तैयार हो जाएगा। अब स्वीट पोटैटो के साथ में, शुगर केन के साथ में आप देखेंगे जिंजर, पोटैटो, ये भी एक ऐसी फसल है। आलू सबसे
साधारण सा एग्जाम्पल है, हमने घर में आलू देखे हैं, आलू काफी दिन तक रखे रहे तो उसमें छोटी छोटी सी आंख जैसी निकल आती है, उसको हम कहते हैं बड़। अगर उसको फिर हम मिट्टी में दबा दें तो उससे नया प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और पटेटो नीचे ग्रो हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।